बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड के साथ खाई जाने वाली चीज डिप। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबलस्पून भर के बटर। ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ही बटर ले लें। फ्लेम लो मीडियम ही रखेंगे इस समय। बटर जैसे ही मेल्ट होगा हम इसमें मैदा मिलाएंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के मैदा। और इसे अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्लेम को यहां पर स्लो मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो मैदा बहुत जल्दी जल जाएगी। जैसे ही मैदा भुन जाएगी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1 कप दूध डालेंगे। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि लम्स न रहे। मैदा के अच्छी तरह से घुलने के बाद ही हम आगे की प्रोसेस करेंगे। मैदा अच्छे से मिक्स हो गई है लेकिन ये साथ ही गाढ़ी नजर आ रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ। अच्छी तरह से दूध और मैदा के मिक्स होने तक मिक्स करेंगे। जैसे ही इस तरह का टेक्सचर आएगा वैसे ही हम इसमें 2 चीज़ स्लाइसेस डालेंगे। चीज स्लाइसेस को इस तरह से हाथ से तोड़ लीजिए और इसमें मिक्स करिए। इस समय गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो पर रखिए। ये सब काम हमें लो फ्लेम पर ही करना है क्योंकि चीज बहुत जल्दी जल जाती है। बस हमें इतना ही पकाना है। बहुत अच्छा टेक्सचर आ चुका है क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडी करने के बाद खाई जाती है, तो उस समय ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस हमें इतना ही पकाना है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डोमिनोज जैसी चीज डिप तैयार हो गई है। इसे थोड़ा सा ठंडा सर्व करेंगे गार्लिक ब्रेड के साथ, तब ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी और परफेक्ट चीज डिप बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें कोई फ्लेवर मिला सकते हैं, जैसे कि आप इसमें सॉल्ट, तो क्योंकि इसमें बटर में भी है और चीज में भी होता है तो सॉल्ट नहीं डालेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ओरिगानो डाल सकते हैं।